इंग्लिश वोकैब की थर्ड वीडियो लेके आया हूँ, और जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को सपोर्ट किया है या मेरी वीडियोस को लाइक किया है या पसंद किया है, जो भी किया है, उनको दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और गाइस, आज बहुत एक खुशी की बात है कि मेरे चैनल पे आज 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है, और उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से। तो गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले जिन लोगों ने मेरी क्वांट की मैथ्स की वीडियोस को नहीं देखा है, उनको प्लीज़ आप जाएं देखें। आपको मैथ्स समझना या उसके ट्रिक्स को या कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इजी रहेगा, और बहुत इजी से आप उसको समझ भी पाओगे। सो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश वोकैब की पार्ट थर्ड है आज। सो पहला वर्ड आज है हमारे पास एब्यूज़। एब्यूज़ का गाइज मतलब होता है अपशब्द कहना या किसी को गालियाँ निकालना। ओके, तो हमें इसका सिनोनिम फाइंड आउट करना है। सो ए ऑप्शन है यूज़। यूज़ का मतलब किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो यूज़ तो बिल्कुल हो नहीं सकता इसका सिनोनिम। अच्छा, प्रेज़ का मतलब होता है गाइज किसी की सराहना करना। सो प्रेज़ भी नहीं हो सकता। रेज़ का मतलब होता है गाइज किसी चीज़ को या किसी मुद्दे को उठाना या अपनी आवाज़ को उठाना, रेज़ करना, तो रेज़ भी नहीं हो सकता। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा अपना सी, जिसका नाम है स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब भी होता है अपशब्द कहना। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्कॉर्न, मतलब ऑप्शन नंबर सी। सो गाइज, नेक्स्ट वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है गाइज कंजूस। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत कंजूस होते हैं, तो आप वैसे मत बनना लाइफ में, अच्छे से रहना। सो फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस। अच्छा, इसका हम सिनोनिम ढूंढते हैं, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है गाइस जो लोग कमज़ोर होते हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिकल तो हो नहीं सकता। स्प्लेंडिड का मतलब होता है गाइस शानदार, तो गाइस स्प्लेंडिड भी नहीं हो सकता। हंगरी का मतलब होता है भूखा, सो गाइस भूखा भी नहीं हो सकता। तो लास्ट ऑप्शन बचता है माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइजर। सो गाइज, नेक्स्ट वर्ड है पिटी। पिटी का मतलब होता है दया या दयावान। सो फर्स्ट ऑप्शन है ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है क्राइम, ठीक है, जैसे किसी ने कोई ऑफेंस किया, गुना, ठीक है, आप गुना भी कह सकते हो, तो ऑफेंस तो आ नहीं सकता। मर्सी। मर्सी का मतलब होता है दया, दया आ सकता है। देखते हैं, और भी ऑप्शन देख लेते हैं आगे। जॉय। जॉय का मतलब होता है गाइस खुशी। जॉय का मतलब होता है खुशी, तो जॉय तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। और काइंडनेस है ऑप्शन नंबर सी में, तो काइंडनेस का भी मतलब होता है दया, दया या खुशी या प्यार। जैसे हम कहते हैं इज़ वेरी काइंड टू मी, माई फादर या और माई मदर, दे बोथ आर वेरी काइंड टू मी, ठीक है, दे आर वेरी काइंड, दे हैव काइंडनेस, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो अब बी और सी में आप क्या ऑप्शन मतलब टिक करोगे? तो काइंडनेस के तो बहुत सारे मीनिंग हैं, दया भी है, खुशी भी है, प्यार भी है, और मर्सी का मतलब है सिर्फ दया। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मर्सी, ठीक है। सो गाइज, फोर्थ वर्ड देखते हैं आज की क्लास का। सो गाइज, फोर्थ वर्ड है रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर प्रतिबंध लगाना। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए है कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ को घटाना, तो कर्टेल तो हो नहीं सकता। रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना, बनाए रखना, तो रिटेन भी नहीं हो सकता। रिटेल का मतलब होता है बेचना, तो रिटेल भी नहीं हो सकता। तो लास्ट ऑप्शन ऑप्शन बचती है आपकी प्रोहिबिट। प्रोहिबिट काइंड ऑफ प्रोहिबिट। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। सो गाइज, फिफ्थ वर्ड है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है आशा करना, किसी से आस लगाए रखना। सो एक्सेप्ट तो हो नहीं सकता। एंटागोनिस्ट होता है विरोधी। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी, जो आपका विरोध करते हैं। होप का मतलब होता है आशा, और एक्सेप्ट
एक्सपेक्ट का मतलब भी होता है आशा। अब आप ए में से ए टिक करोगे या सी टिक करोगे? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो दो ऑप्शन में और दोनों का मीनिंग सेम है, तो आप क्या यूज़ करोगे कि एक्सपेक्ट जो है ना वो हमारे डेली टुडे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता रहता है, बट होप जो है ना इसका पर्टिकुलर मीनिंग सिर्फ आशा ही है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन अगर आपको मतलब टिक करना पड़ जाए एक्सपेक्ट में या होप में, तो आप हमेशा होप को टिक करोगे क्योंकि होप का डायरेक्ट मीनिंग है आशा। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस, सिक्स्थ वर्ड है आज हमारा अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो ऑप्शन ए है सफिशियंट। सफिशियंट का मतलब होता है पर्याप्त, जो है ठीक है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हो। तो सफिशेंट भी नहीं हो सकता, सिग्निफिकेंट भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट वर्ड है गाइज प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ओके, और वाइब्रेंट का मतलब होता है जो आपको डरा दे या जो आपको कंपा दे, डराने वाला या कंपाने वाला, कंपाने वाला। ठीक है, तो वाइब्रेंट तो हो नहीं सकता। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्लेंटी, ऑप्शन नंबर बी अबंडेंट का। सो गाइस, आई होप आपको आज के ये 6 वर्ड समझ आए होंगे, और मैं ये भी आपसे आशा करता हूँ कि आप अपने नोट्स बना रहे हैं और बनाते रहना, क्योंकि जब आप अपनी भाषा में इन चीज़ों को लिखोगे और जब आप एग्ज़ामिनेशन से पहले इनको रिवाइज़ करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी वोकैब के लिए। आप एग्ज़ामिनेशन में जो आपका इंग्लिश का सेक्शन रहता है उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी आते हैं, सिनोनिम्स भी आते हैं, एंटोनिम्स भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, फिर आइडम और फ्रेजेस भी आते हैं। तो इन सभी चीज़ों में ना ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो अगर आपको इन वर्ड्स की थोड़ी बहुत नॉलेज रहेगी, तो आपको आपका इंग्लिश का वो जो सेक्शन है बेसिकली उसको उसमें ज़्यादा नंबर लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने इंग्लिश के नोट्स या सिनोनिम एंटोनिम जो भी है आपके पास उसके नोट्स बनाते रहें, उनको सुबह उठ के इन वर्ड्स को आप रिकॉल करें, याद करें, ताकि आपके डेली टू डे लाइफ में ये वर्ड्स घूमते रहें। और आपके लिए एक और चीज़ कहूँगा कि अभी CIFSF का फॉर्म निकला है कांस्टेबल का, और BSF में ट्रेडमैन की भी भर्ती चल रही है। सो जो लड़के 18 साल के हैं या 18 से ऊपर हैं, सो वो उन फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी मैं आपकी तैयारी डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम से पूरी पूरी कराऊंगा और डेफिनेटली आपको सिलेक्शन भी दिलाऊंगा। और अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहें, तो मैंने अभी तक 4 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। 3 थे डिफेंस के और एक था शायद MBA का। सो मैंने ये सभी एग्ज़ामिनेशन क्रैक करके रखे हैं और आपसे भी करवाऊंगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। बस आप अपना लव, अपना सपोर्ट इस चैनल को देते रहें, और मैं डेली आपके लिए वीडियोस और एडिशनल रिक्रूटमेंट की कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर दिया करूँगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, स्टॉप करते हैं। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज सो मच।